अत्यंत घातक हथियार भेजे तो पुतिन का रूस यूक्रेन के डोनेस्क पर कब्जा कर लेगा। 12 घंटे पहले रूस ने दावा किया है कि वो किसी भी वक्त यूक्रेन के प्रोक्रस पर कब्जा कर लेगा। इधर वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि रूस के भीषण हमलों के बाद जेलेंस्की प्रोक्रस की जंग हार चुके हैं। प्रोक्रस्क हार गए जेलेंस्की। क्या यूक्रेन प्रोक्रस्क भी हारने जा रहा है? आखिर रूसी सेना महज 3 हफ्ते में ही प्रोक्रस्क के इतने करीब कैसे पहुंच गई है? क्या यूक्रेनी सेना रूसी हमलों का सामना नहीं कर पा रही? जंग जीतने की जिद। अब तो नेटो के 32 देश भी यूक्रेन को बचा नहीं पा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के हथियार भी रूस को आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहे। आखिर जेलेंस्की करें तो क्या करें? जंग के 926 दिन बाद भी जेलेंस्की के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पुतिन चाहते क्या हैं? पुतिन का मिशन प्रोक्रस्क पर कब्जा। जरा इस एनिमेशन को देखिए और पूरी खबर को समझिए। रूस ने यूक्रेन पर क्या बढ़त हासिल की है? रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन के प्रोक्रस्क पर किसी भी वक्त पूरी तरह से कब्जा कर सकती है। दावों के मुताबिक रूसी सेना पिछले 3 हफ्तों से भीषण जंग में प्रोक्रस्क के बेहद करीब पहुंच चुकी है। प्रोक्रस्क से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर रूसी सेना ने एक बस्ती पर कब्जा कर लिया है। दावा किया गया है कि रूस के हमले इतने तेज थे कि यूक्रेनी सेना जंग छोड़कर भाग गई। प्रोक्रस्क से लगभग 16 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में रूसी सेना ने यूक्रेन की सेना के होश उड़ा दिए हैं। प्रोक्रस्क को रूसी सेना ने दूसरा बखमूत बना दिया है। उत्तर से दक्षिण तक पुतिन की जीत। रूसी सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो की एक एक तस्वीर को देखिए। कितने प्रचंड हमले रूसी सेना यूक्रेन के कुसर्क, पोल्टावा और पूरे डोनेस्क इलाके में कर रही है। तोप, लंबी दूरी के रॉकेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर से हमले किए जा रहे हैं। इस वीडियो में दावा किया गया है कि रूस ने उत्तर से दक्षिण यूक्रेन तक 100 से ज्यादा मोर्चों पर यूक्रेनी सेना के होश उड़ा दिए हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि पिछले 48 घंटे में डोनेस्क, डॉनबॉस, लवीव, प्रोक्रस्क में हालात बखमूत जैसे हो गए हैं। बखमूत को पूर्वी यूक्रेन का किला कहा जाता था, जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूस की तरफ से जारी ये वीडियो भी यूक्रेन के प्रोक्रस्क का है, जहां रूस का तोपखाना रॉकेट ब्रिगेड प्रोक्रस्क पर प्रोक्रस्क बॉर्डर पर भयंकर हमले कर रही है। रूसी सेना और तोप लगातार रैपिड फायर करने में लगे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि पिछले 1 हफ्ते में यूक्रेनी सेना पर रूसी सेना कैसे भारी पड़ती जा रही है। 24 घंटे पहले रूसी सेना ने प्रोक्रस्क से महज 16 किलोमीटर दूर यूक्रेनी नागरिकों की बस्ती कलिनोव पर कब्जा कर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया है कि उसकी सेना ने पिछले हफ्ते में डोनेस्क में 6 बस्तियों पर कब्जा कर लिया और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे लंबी दूरी के सटीक हथियारों से यूक्रेन के 17 सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसके अलावा मॉस्को की तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव पर जबरदस्त हमले हुए हैं। दावों के मुताबिक आधी रात में रूस ने यूक्रेन पर 67 भीषण और खतरनाक ड्रोन से हमले किए। यूक्रेनी सेना के मुताबिक पूरी रात रूस ने कीव पर ड्रोन हमले किए।
हालांकि यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि उसने 67 रूसी ड्रोन में से 58 ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम 11 इलाकों को नहीं बचा पाए। जेलेंस्की खुद भी मान चुके हैं कि 109 मोर्चों पर रूस से भीषण जंग चल रही है। результате активных и решительных действий подразделений группировки войск центр освобождены населенные пункты Кирова, Птичья, Скучная, Карловка, Заветная и Журавка Донецкой Народной Республики. इधर जेलेंस्की लगातार अपने टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग करने में जुटे हैं। जेलेंस्की नक्शे पर बार बार अपने कमांडरों से यही समझने की कोशिश में हैं कि हम रूस को कुसर्क में कैसे हराएं और डोनेस्क इलाके को रूसी कब्जे से कैसे बचाएं। Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор. Системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Рус ке сухої SU-34 бомбардувальниками се Україні ठिकानों पर हमले होते हुए देखे गए। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि यूक्रेन के कुछ ड्रोनों ने रूसी हवाई अड्डों पर हमला किया। रूस के नेशनल गार्ड ने कहा कि कुसर्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुसर्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर भीषण जंग चल रही है। अब देखना होगा क्या रूस यूक्रेन के प्रोक्रस्क, पोल्टावा और डोनेस्क पर कब्जा करने के बाद रुकता है या फिर नहीं।